नागपुर की रेलवे पुलिस ने एक ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जिसने नागपुर रेलवे स्टेशन से 6 महीने के मासूम बच्चे का अपहरण उस वक्त कर लिया था जब उसके माता पिता एक ट्रेन में सफर कर रहे थे। बच्चा चोरी की घटना के बाद नागपुर रेलवे स्टेशन में हड़कंप मच गया। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल मामले की जाँच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 24 घंटे के अंदर आरोपी महिला को धर दबोचा और सही सलामत मासूम बच्चे को बरामद कर लिया। इसके बाद नागपुर रेलवे पुलिस ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया। आपको बता दें कि 1 महीने के भीतर नागपुर रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी की दूसरी घटना सामने आ रही है। इस मामले की जांच के लिए रेलवे पुलिस ने 4 टीमों का गठन किया था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर रेलवे पुलिस की एक टीम अमरावती के पुसाला गाँव पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बच्चा चोरी करने के बाद फरार हुई महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। महिला जिस ट्रेन के कोच में बैठी थी उस कोच में सीसीटीवी लगे हुए थे, जिसके चलते महिला पूरे सफर के दौरान कैमरे के सामने रही और जब वो उतरी तो वह भी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके चलते पुलिस को उसको पकड़ने में आसानी हुई। रेलवे पुलिस ने बताया कि अमरावती के निवासी उमाकांत इंगले अपनी पत्नी ललिता और 2 बच्चों के साथ ट्रेन में सवार होकर नागपुर पहुंचे थे। इस दौरान आरोपी महिला भी उनके साथ ही सफर कर रही थी और रास्ते में उनकी जान पहचान हो गई। वहीं सुबह 7 बजे जब उमाकांत और उनकी पत्नी सो गई तो आरोपी महिला ने उनके 6 साल के बेटे राम को उठाया और नागपुर वर्धा मेमू ट्रेन को पकड़कर वहां से फरार हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की गई और 24 घंटे के भीतर आरोपी महिला को ढूंढ निकाला गया। ये जो आरोपी सूर्यकांता कोरे भाई उम्र 40 साल मूल रहवासी है, मुलताई जिला बैतूल की है और ये 4-5 दिन पहले ही जो अमरावती जिला है उसमें वरुड़ जो गांव है उसके नजीक एक छोटा सा गांव है पुसला, वहां रहती है। और फिरियादी जो है उमाकांत अशोक इंगले उम्र 30 साल ये राजूरा बाजार तहसील वरुड़ का ही है। ये जब ट्रैवलिंग कर रहे थे 10/7/24 को बडनेरा रेलवे में गाड़ी में, तब वो ट्रेन में इनकी पहचान हो गई और जो फिरियादी फैमिली है उमाकांत इसके साथ 2 बच्चे थे, इसमें छोटा 6 महीने का छोटा बच्चा था इनका। जब ये रात को 1:45 को रात को नागपुर स्टेशन उतरे, यहाँ पे वो 4 बजे रात को सो गए और बच्चे को जो आरोपी महिला है सूर्यकांता इसने सब ये सोने के बाद 7:30 बजे इनको बच्चे को भगाया। और बाद में सीसीटीवी फुटेज जो ट्रेन में था हमने सारे सीसीटीवी फुटेज टंगाले, 5-6 टीम बनाई और ट्रेन में जो सीसीटीवी फुटेज थे उसमें मेमो जो गाड़ी है वर्धा से नागपुर और नागपुर से वर्धा आना जाना होता है तो उसमें इसका लोकेशन जो सीसीटीवी फुटेज ट्रेन के मिले, अंदर ट्रेन में जो सीसीटीवी थे उसके मिले, वहां से पता चला। और उसने ये गाड़ी की लास्ट मोमेंट 9:34 सवेरे की थी तो फिर वहां से ये ट्रेन का पता चला। फिर हमारी टीम वहां पहुंची और वरुड़ गांव में हमने, छोटा सा वरुड़ गांव है और ये जो वरुड़ गांव है अलग है, ये आता है वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां से गांव में पता चला कि भाई ने वहां किन लोगों से पैसे मांगे कुछ खाने पीने के लिए और अपने गांव जाने के लिए भी मदद मांगी। वहां से एक फोन भी किया तो जहां जिस इसम से फोन किया वो इसम भी पुलिस को मिल गया। उन्होंने फिर वो पहुंची कि नहीं इसके लिए पुलिस के द्वारा हमने फोन करवाया तो वो जवाब मिला कि वो भाई खुद बोले कि हाँ वो पहुंच गई है जो उसका गांव है पुसला और जो वरुड़ गांव जो है वहां क्या है वहां पे वो पहुंच गई थी। फिर वो लोकेशन से पुसला गांव हम टीम पहुंच गए पुलिस की और वो बच्चों को साथ में और आरोपी महिला को साथ में लेके हम आए। महिला अभी अभी पहुंची है आरोपी महिला, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले भेजा है और इसमें हम बहुत गहराई में तपास इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसका मकसद क्या, खुद को रखना था, किसी को बेचना था या किसी को हैंडओवर करना था, इसके साथ कौन लोग थे, इसके हम उसका कस्टडी मांग के कोर्ट से उसको ये सारा पूछताछ करेंगे और फिर वो निष्पन्न होगा।